देखो भैया, हम हैं अन्नु त्रिपाठी। ई गाड़ी देख लिए हो आप, ई होटल देख लिए हो, ई सब कोई और ना, ये हमरी है। और कैसे हुई और कैसे कहानी ये हमरी, ये बचपन से अभी तक बीती जो हम आज यहाँ तक हम बैठे हैं। आओ हम अपनी कहानी सुनाते और दिखाते हैं कि हम कैसे आए हैं। नमस्ते, आइए। क्या है? मैम बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आती? कहीं जाके काम कर लो। मैम बहुत मजबूर है, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा। मैम हालात कमा रहा हूँ मैम, कोरोना की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा मैम। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साहब लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी यहीं से खत्म हो गई साहब। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम चिंता मत करो, और मैंने भी बहुत सारा संघर्ष किया है। और मैं कैसे होटलों में भटक रहा था, मैंने क्या क्या किया, बर्तन धुले, मार खाया, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं रहा तो आत्महत्या करने गया। आत्महत्या कोई सल्यूशन नहीं। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक होटल में काम करता था। कभी नहीं सोचा था कि ये साला काम करना पड़ेगा, बर्तन धुलना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, खाना भी नहीं खाया अभी, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाला क्या करेगा। जी मैं बर्तन धुल रहा हूँ। आ रहा हूँ सर। मैं काफी परेशान था, दिनों दिन बस सोचता था कौन सा दिन आए हम तरक्की करें। एक दिन अचानक हाथों से मेरे मालिक आकर के मुझे डांट लगाता है, यहाँ तक हमारी तनख्वाह से पैसे भी काट देता है। क्या करता, किस्मत का मारा हूं। अचानक एक दिन मैं काम कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज प्रधानमंत्री जी की थी। उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। ये सब सुन करके मैं बहुत व्याकुल हो गया। कुछ समय के बाद हमारे घर से मेरी माँ का फोन आता है। मेरी माँ मुझे फोन करके मदद की गुहार करती है। बेटा तेरे पापा बहुत बीमार हैं, कुछ पैसे भेज दे। लेकिन क्या करता, परेशानियों से मारा हुआ व्यक्ति टेंशन में पल रहा था, पैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ बगल में पड़ोस में अपने चाचा रहते हैं, बगल में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वहां से पापा का इलाज करा लो, हम बहुत जल्दी ही पैसा भेजेंगे। इतना कहते हुए मैंने उदास मन से फोन कट कर दिया। उसके बाद मैं मालिक के पास पहुंचा और मालिक से मैंने अपनी बात को कहा, लेकिन मालिक ने एक ना सुनी, बल्कि मुझे अपशब्द कहने लगा। मैंने हाथ भी जोड़े, मैंने घर की पीड़ा को बताया, मैं रोने तक लगा, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी हाथ जोड़ रहा था, लेकिन मालिक मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खा रहा था। काफ़ी देर के बाद उसने मुझे अपशब्द कहकर बाहर निकाल दिया। मैं बाहर निकलकर आगे की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई।
रात होने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दी और मैं वहां जाकर लेट गया। सुबह उठ करके मैं एक नए काम की तलाश में निकल पड़ा। मुझे एक होटल दिखाई दिया। मुझे आशा थी कि मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगा और पैसे कमा पाऊंगा। मैं जब अंदर गया, अंदर जाते ही एक मैनेजर से मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने उसको अपना सारा दर्द बताया। उसे काफी तरस आ रहा था मुझ पर। उसने इशारे से बताते हुए कहा कि मालकिन ऊपर है, आप उनसे कहो, आपको जरूर काम मिलेगा। और मैं वही एक आशा की किरण लेकर के चल दिया। जब मैं मालकिन के पास पहुंचा तो देखा मालकिन काफी व्यस्त थी। मैंने दो बार आवाज लगाई लेकिन उन्होंने ना सुनी, और तीसरी आवाज जब लगाई तो उन्होंने मेरी ओर देखा। उसके बाद मैं अपने दर्द को बयां करने लगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे एक काम की तलाश है, मुझे अपने यहाँ पर रख लो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे फटकार कर उसने भी वहाँ से मुझे भगा दिया। मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। बस सोच लिया था कि अब मैं आत्महत्या ही करूँगा। और जैसे ही मैं कूदने वाला था, वैसे एक मानो भगवान का भेजा हुआ ऐसा इंसान। अरे 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 ये क्या है? क्या करूँ साला, कहीं से पैसा भी नहीं मिलता। जहाँ भी जाओ वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो कुछ पैसा नहीं दे रहा। मम्मी पापा के लिए आया था शहर में कि कुछ पैसा कमाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा है। मैं उससे कहा कि समझाने का कोई फायदा नहीं, मैंने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ मुझे इस दुनिया में दिख नहीं रहा। लेकिन मुझे उसने एक ऐसी संस्था के बारे में बताया, मुझे लगा कि शायद इसमें जाकर हमारा कुछ भला हो जाए। हेल्प सेफ्टी केयर फाउंडेशन के बारे में बताया। उसने ये तक भी कहा कि हमारे जैसे बेरोजगार और तमाम दबे कुचले लोगों के कागजों और सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर सबके सहयोग से काम करती है। मैं वहाँ गया। आज मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं एक हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज जब मैंने फिर से मेरे जैसे परेशान युवक को देखा तो रहा नहीं गया। मैंने उससे कहा कि ये जो हमारी प्रेमिका है, ये भी कभी एक मालकिन थी। लेकिन क्या करता, उस समय मेरा भी उस समय बहुत बुरा था। इसने भी मुझे फटकार कर भगा दिया था। लेकिन आज मैंने इसकी औकात याद दिलाई कि मैं वही व्यक्ति हूं जब तुमने मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन मैं हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन के माध्यम से आज यहां तक पहुंचा हूं। तो आज हम लोगों के दर्द समझ पा रहे हैं और आज भी हम कई लोगों की मदद कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। इस संस्था का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे गरीब बेरोजगार लोग हैं उन्हें इस संस्था से जोड़ा जाए और उन्हें वो सपना दिखाया जाए, वो सपना साकार किया जाए जिससे वो पैसे वाले बन सके और अपनी गरीबी को हटा सके। आइए हम मिलाते हैं हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन संस्था से, जो हर एक गरीब बेरोजगार की मदद करती है। मैं उस बंदे को लेकर के गाड़ी से गया और उसको ऑफिस में ले जा करके उसको एक नई दिशा नई राह दी। आज वो बंदा कई लोगों की मदद भी कर रहा है। तो आप भी देर ना करें और हमारे साथ जुड़े। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप भी हमारी तरह एक दिन जरूर बनेंगे। अपने परिवार के लिए तो सभी जीते हैं, आइए उनके लिए जीकर देखें जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्तों की डोर भी वक्त कमजोर करता जा रहा है, अपने रिश्तों में कड़वाहट को कम करें। कौन कहता है कि किसी अनजान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? है ना इंसानियत का रिश्ता।
अपने भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ वक्त निकालिए। सिर्फ रोबोट नहीं, इंसान बनिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। साथ ही हाथ बढ़ाना, जुड़िए हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन से। अनाथ, बुजुर्ग और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं हम। समाज के मजबूर, बेबस और लाचार लोगों को सम्मान से जीना सिखाते हैं हम। आपके बीच से ही आपके अपने हैं हम। हम हैं हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप भी हमसे जुड़ें और लोगों की मदद करें। सिर्फ अपने नहीं, अपनों के बारे में भी सोचें। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 7571817097 या फिर 9120900677 या फिर 9670007013 या विजिट करें www.helpsafecare.com।